पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमएलसी इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं हम जानेंगे एमएलसी गोपाल अंजान से ही, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की रणनीति बनाई है इस इलेक्शन को विजयी होने में और किस तरह कितना असर भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका पड़ने वाला है जानेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्योंकि एमएलसी का इलेक्शन चल रहा है, किस तरह का मतदान चल रहा है? मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 90% से अधिक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 100% 36 सीटें जीतेगी, क्योंकि स्थानीय निकाय प्राधिकरण के इस चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधि इसका चुनाव करते हैं, तो जनप्रतिनिधि भी जानते हैं डबल इंजन की सरकार यानी प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलके ही पूरे प्रदेश का विकास कर सकते हैं। इसलिए वो जनप्रतिनिधि समझदार है, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है यूपी? हमारे लिए कोई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखते। लोकतंत्र में व्यवस्था के अनुसार वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़े, उन्हें भारी बहुमत से पराजित होना पड़ेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है उसका असर कहीं पर देखने को मिलेगा? अब उन्होंने प्रत्याशी बने हैं, वो उनकी पार्टी का विषय है। मेरी पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है और समाजवादी पार्टी एक धनवान व्यक्ति को ढूंढ के लाई है। अब धनवानों के सामने सामान्य कार्यकर्ता की लड़ाई है, सामान्य कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का एक आज भारत का प्रधानमंत्री है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक साधारण कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता ही MLC और MLA और सांसद हैं। तो अब साधारण कार्यकर्ताओं का ही बहुमत है तो बेकार वो अपना जो भी है अपना चुनाव लड़े, वो अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ में MLC गोपाल अंजान जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक साधारण व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और उसी का असर होगा कि एक तरफा जीत होगी। हालांकि मतदान प्रक्रिया के बाद जब काउंटिंग होगी उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन विजयी होगा, यह भी समय बताएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।